Hello students, this is your Social and Political Life NCERT textbook of class 7. We are doing chapter number 4 in this book. Name of chapter number 4 is Growing Up as Boys and Girls. In my previous video of this chapter, I have explained to you what is mean by gender stereotypes. Today, we will discuss a story. Then, after listening that story, you can realize something what I want to share with you. Okay? After that, we will read a topic, Lives of Domestic Workers. How's the life of domestic workers? We will read this. So, let's start. Here is story, My Mother Does Not Work. तो इस स्टोरी में आपको क्या बताया गया है, यहाँ पर एक गर्ल है सोनाली, वो अपनी मदर को बोल रही है कि उनके जो रोजी मैम हैं वो वॉलंटियर्स चाहती हैं, क्योंकि वो एक्सकर्शन पर जा रही हैं, मतलब एक शॉर्ट ट्रिप पर जा रहे हैं, तो उसके लिए उन्हें बच्चे चाहिए और वॉलंटियर्स वो चाहती हैं। तो वो अपनी मदर को बोलती है सोनाली कि आप भी मेरे साथ चलो, आप ऑफिस से छुट्टी ले लो, हॉलीडे ले लो। तो वो कहती है सोनाली कि जो हरमीत की मदर है वो हमेशा ट्रिप्स पर जाते हैं क्योंकि वो काम नहीं करते। तो सोनाली की मदर उसको बोलती है कि जसप्रीत आंटी, जसप्रीत हरमीत की मदर का नेम है, कि जसप्रीत आंटी सुबह 5 AM उठते हैं और वो सारा घर का काम करते हैं, तो तुम ये कैसे कह सकती हो कि वो काम नहीं करते कुछ। तो यहाँ पर सोनाली बोलती है कि वो रियल वर्क नहीं है, दैट वॉज़ नॉट रियल वर्क, वो तो एक हाउस वर्क है सिर्फ। तो अभी सोनाली की मदर के माइंड में आता है कि सोनाली क्या सोच रही है, कि वो हाउस वर्क को तो कुछ समझ ही नहीं रही है। तो इसलिए सोनाली की मदर सोनाली को घर लेके जाती है जसप्रीत आंटी के, ठीक है। तो वहाँ पे जब वो जाते हैं तो जो सोनाली की मदर है वो जसप्रीत के हस्बैंड हर्षर्ण को बोलते हैं कि आपकी वाइफ वर्किंग पर्सन नहीं है, वो काम नहीं करती है। तो आगे से जो सोनाली के जो जसप्रीत आंटी के बच्चे होते हैं वो भी बोलते हैं कि वो सिर्फ हाउस वाइफ है, वो कोई काम नहीं करती है, एंड उनके हस्बैंड का भी ऐसा ही रिस्पॉन्स रहता है। तब जो जसप्रीत है उसको बोला जाता है सोनाली की मदर के द्वारा, सोनाली की मदर जसप्रीत को बोलती है कि तुम कुछ चेंज करो, मतलब ये तुम्हारे काम को कोई इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं, तो तुम एक दिन के लिए स्ट्राइक पर चले जाओ ताकि इनको रियलाइज़ हो जाए कि तुम भी कुछ काम करती हो, हम कुछ फ़न करते हैं। तो फिर वो कहती है कि ठीक है मैं कल को स्ट्राइक पर चली जाऊंगी। तो जसप्रीत के बच्चे बोलते हैं कि हम अपने पापा के साथ मिलकर घर को मैनेज करेंगे, हैंडल करेंगे। तो अगले दिन जसप्रीत स्ट्राइक पर चली जाती है और उसके हस्बैंड उठते हैं और वो देखते हैं कि टाइम क्या हो गया, अभी तक ब्रेकफास्ट भी नहीं है और बच्चे भी तैयार नहीं हैं। तो फिर हर्षरण की जो वाइफ थी जसप्रीत, वो कहती है कि आपको पता नहीं है मैं स्ट्राइक पर हूँ, आज मैं स्ट्राइक पर हूँ और हमारी जो काम वाली है मंगला वो भी आज लीव पर है। तो हर्षरण बोलता है ओ नो, उधर से बच्चों की स्कूल बस आ जाती है। तो अब हर्षरण बोलता है कि स्कूल बस का भी टाइम हो गया और बच्चे रेडी भी नहीं हुए, ना कोई ब्रेकफास्ट है, तो मैं इनको कार पर ही आज छोड़ दूँगा। और उधर से वो जो हर्षरण है वो बोलते हैं कि पंप चला दो, वो वॉश वगैरह, उन्हें बाथ वगैरह लेनी होती है। तो हर्षरण अपने बच्चों को लेके जा रहा होता है कार में ड्रॉप करने के लिए, तो उधर से उसकी मदर बोलती है कि बच्चों के लंच बॉक्सेस तो आपने तैयार नहीं किए। तो हर्षरण अपने बच्चों को बोलता है कि मैं कैंटीन से तुम कुछ खा लेना, मैं तुम्हें पैसे दे दूँगा। तो उनके बच्चे बोलते हैं कि हमें मम्मा ने ऑलरेडी पैसे दे दिए। तो जब उन्हें वो छोड़ के घर वापस आता है हर्षरण, तो वो बोलता है मैं एग्जॉस्ट हो चुका हूँ, मुझे कुछ चाय चाहिए। तो फिर उसकी वाइफ दोबारा बोलते हैं कि आप भूल गए मैं स्ट्राइक पर हूँ, आपको खुद ही बनानी पड़ेगी।
तो जब वो घर आता है वो देखते हैं कि घर ऐसे सारा बिखरा हुआ है जैसे तूफान आया हो घर में। तो यहाँ पर जसप्रीत को याद आता है कि हमारे यहाँ तो आज चाचा चाची जी ने भी डिनर के लिए आना है। तो इस तरीके से सब कुछ जब उनके बच्चों को और उनके हस्बैंड को मैनेज करना पड़ता है तो उन्हें रियलाइज़ होती है ये बात कि जिसको हम बोल रहे थे कि ये रियल वर्क नहीं है, एक्चुअल में ये रियल वर्क है, इसकी इम्पोर्टेंस है। तो ये स्टोरी में आपको यही सीखने को मिला यहाँ पर कि जिन लोगों के माइंड में ऐसा होता है कि जो हाउस होल्ड वर्क है उसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, वो कोई रियल वर्क नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, हाउस होल्ड वर्क की भी वैल्यू होती है। ठीक है, नाउ वी विल स्टडी लाइव्स ऑफ डोमेस्टिक वर्कर्स। डोमेस्टिक वर्कर्स होते हैं जो घर में काम करने के लिए अपने मेड्स वगैरह स्वीपर्स लगाए होते हैं, उनकी कैसे डोमेस्टिक लाइफ होती है। तो अब यहाँ पे देखो क्या है, हमने जो ऊपर स्टोरी पढ़ी यहाँ पर बताया गया कि जो हरमीत की मदर है वो अकेली नहीं थी सिर्फ जो हाउस वर्क करती थी, ऐसे और भी घर में कई लेडीज़ होती हैं जो हाउस वर्क अकेले करती हैं। जो उनकी काम वाली है मंगला वो टाउन्स में सिटीज़ में कई जगह पर डोमेस्टिक वर्कर के रूप में काम करती है, जिसके बारे में अभी मैंने बताया था ना कि वो लीव पर थी, छुट्टी पर थी, वो कई घरों में काम करती थी। वो बहुत सारा स्वीपिंग, क्लीनिंग, वॉशिंग क्लोथ्स, डिशेस, कुकिंग और जो यंग चिल्ड्रन हैं, एल्डरली, उन सब की देखभाल भी वो करने का काम करती थी। तो ज़्यादातर जो डोमेस्टिक वर्कर्स होते हैं वो वीमेंस होती हैं। एंड समटाइम क्या होता है कि जो छोटी उम्र के थोड़े यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स होते हैं उन्हें भी ये काम करने के लिए एम्प्लॉय किया जाता है। अब ये जो डोमेस्टिक वर्क होता है ना, पर इसको कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती, उनको वेजेस कम ही दिए जाते हैं। एक जो डोमेस्टिक वर्कर है उसका काम स्टार्ट हो जाता है सुबह 5 AM और ख़त्म होता है वो रात को 12 बजे तक। तो इतना हार्डवर्क करने के बाद भी उनके जो एम्प्लॉयर्स हैं वो उनको रिस्पेक्ट नहीं शो करते। एक यहाँ पर अगर हम मालिनी की बात करें, ये एक डोमेस्टिक वर्कर है, ये अपना दिल्ली में जब काम कर रही थी तो ये अपना एक एक्सपीरियंस शेयर कर रही है। वो बोलती है कि मेरी जो फर्स्ट जॉब है वो एक काफ़ी रिच फैमिली में मैंने काम किया और वो 3-स्टोरीड हाउस था, जो वहाँ पे जो मेम साहब थी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज थी, अजीब थी। वो जब भी कोई काम करवाना होता था तो शाउट करके बोलती थी, चिल्लाती थी। और उसका काम, मालिनी का काम किचन में था, तो वहाँ पे 2 और गर्ल्स थी जो क्लीनिंग का काम करती थी। एक दिन 5 o'clock का टाइम था, तो ब्रेकफास्ट के लिए हम इनको एक टी मिलती थी, एक वन कप ऑफ टी दिया जाता था इनको और 2 सूखी रोटियाँ दी जाती थी इनको, कभी 3rd रोटी नहीं मिलती थी। इवनिंग में जब वो खाना बना रही थी तो 2 जो दूसरी गर्ल्स थी उन्होंने उनसे एक एक्स्ट्रा रोटी मांगी मालिनी से, क्योंकि किचन का काम ये संभालती थी। तो इवनिंग में उसने क्या किया, मालिनी ने उनको चोरी छुपे एक रोटी दे दी और एक खुद के लिए भी एक्स्ट्रा बना ली, क्योंकि उस दिन उन्होंने सारा दिन बहुत ज़्यादा काम किया था, वो बहुत ज़्यादा थक गई थी और उन्हें हाउस में घर में चप्पलें डालना भी अलाउड नहीं था। जब सर्दी का मौसम था, विंटर में उनके पैर सूज जाते थे सर्दी से, और उनकी जो मेम साहब है वो हमेशा उनसे गुस्से रहती थी और ह्यूमिलेटेड रहती थी। तो ये क्वेश्चन एक अराइज़ करते हैं कि हम सारा दिन काम करते हैं, क्या हम रिस्पेक्ट नहीं डिज़र्व करते कि हमारे साथ भी कोई रिस्पेक्ट से बोले, ऐसा ये क्वेश्चन कर रहे हैं। हम अगर कॉमनली बात करें तो हाउस वर्क में बहुत सारे टास्क आ जाते हैं, बहुत सारे नंबर ऑफ टास्क, उसमें क्या क्या आता है, हैवी फिज़िकल वर्क, बहुत ज़्यादा फिज़िकल वर्क भी करना पड़ता है, और रूरल एंड अर्बन एरियाज़ की जो वीमेन एंड गर्ल्स हैं उन्हें पानी भी भर के लेके आना पड़ता है, जहाँ पानी की कमी होती है वो कुओं वगैरह से, वेल से पानी लेके आती हैं। चोल में आपने देखा होगा, जो बड़े बड़े सिटीज़ में, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में चोल्स होती हैं, वहाँ पर वो नीचे एक सबके लिए कॉमन टैब होती है, वहाँ से वो पानी लेके आते हैं। और कई रूरल एरियाज़ में लेडीज़ क्या करती हैं, वो अपने सिर पर लकड़ियों का गट्ठा भी उठा के लेके आती हैं, क्योंकि उनके पास गैस नहीं होती घर में, तो अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वो ये सब कुछ करते हैं, कपड़े धोने का काम, क्लीनिंग, स्वीपिंग और लिफ्टिंग, कैरिंग, ये सारा काम वो करते हैं। ठीक है, और इसके अलावा
जो विमेन होती हैं वो हॉट स्टोव्स के पास खड़े होकर लंबे कई लॉन्ग आवर्स तक काम भी करती हैं। तो जो वर्क विमेन करती हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रीनियस हैं, स्ट्रीनियस मतलब जिसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगते हैं और फिज़िकली डिमांड है जिस काम की। तो यहाँ पे अगर हम एक और एस्पेक्ट की बात करें हाउसहोल्ड की, इसके अलावा ये वाले सारे काम तो करती हैं, इसके अलावा वो केयर गिविंग का भी काम करती हैं, जैसे घर में जो छोटे बड़े बूढ़े होते हैं सबको वो संभालने का भी काम करती हैं। और ये भी बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, इसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो इसको भी हम हाउस वर्क में ऐड करते हैं। इसके अलावा जो विमेन है वो घर से बाहर जाके जो जॉब करती हैं वो भी एक हम बोल सकते हैं कि अप्रिशिएबल वर्क है जो वो परफॉर्म कर रही हैं। वो मैन से ज़्यादा वर्क करते हैं, उनके वर्किंग आवर्स मैन से ज़्यादा हैं, फिर भी उनको कम पे किया जाता है। और वीमेन के पास टाइम, जो लेज़र टाइम है खाली, जिसको वो मतलब अपनी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में, अपने मनपसंद के काम में जिसको लगा सके, वो टाइम भी उनके पास बहुत ही कम बचता है। तो ये आपको सेक्शन में मैंने बताया कि जो डोमेस्टिक वर्कर्स हैं उनकी लाइफ कैसी होती है। ठीक है, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।